in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. You won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance. My last dance. I don't wanna let myself. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपने थोड़ी बहुत लोकेशन तो देख ही लेगी कि हम किस रास्ते से आए हैं। आज संडे का दिन है, डेट है 20 मार्च और भाई साहब आज जाम इतना तगड़ा था ना कि हमारी हालत ख़राब हो गई यार जाम में आते आते। पर वो हालत जो हमने खराब अगेन अब लूप और जो हमारा वेट इतना बढ़ गया कि हमारे बटन बार बार ही खुल रहा है। और जो हमारा जो मतलब ट्रैफिक में जो हमारा स्ट्रगल था वो वर्थ था, क्योंकि आज जो हमारी लोकेशन है वो एक हिडन प्लेस है तपोवन में। और आगे चल के आपको दिखाते हैं क्या है उस जगह पे खास। गर्मियों का टाइम है, पानी वाली जगह जो है वो जाना अब तो बनता है। एंड वी आर रिस्किंग आवर ओल्ड बाइक एक्चुअली। और ये हमारी बाइक है बहुत पुरानी, मतलब कई लोगों के जन्म से पुरानी बाइक होगी, 15-20 साल पहले की, बट इसने भी लगता है दम तोड़ दिया है। सेकंड गियर पे जाते ही ये दम तोड़ रही है। तो तुमको अपना वेट कम करना चाहिए ना। बाइक का वेट कम कराऊंगा, आज मैं बाइक को ट्रैक करा रहा हूँ। चलो लोकेशन दिखाते हैं। चलो चलते हैं। अगर आप बाहर से आते हो तो एक ये सामने यहाँ पे कैंप्स है, यहाँ कैंपिंग होती है और यहाँ रुकने का भी है व्यवस्था, तो आप यहाँ भी रुक सकते हो। फॉरेस्ट कैंप है, अच्छा बना रखा है। हाँ, मतलब टेंट्स है यहाँ पे और काफ़ी अच्छी भीड़ है, लोग बाहर से बहुत आ रखे हैं। छोटा स्विमिंग पूल और वाटरफॉल है यहाँ पे, तो आओ आप यहाँ पे रुको, हम तो लोकल है, नहीं रुकेंगे। घूम के वापस घर जाएंगे। हम लोकल होने के बाद जहाँ रुकेंगे वो जगह भी आपको। हम लोकल है, हम अपने घर पे रुकेंगे। ये देखो छोटे छोटे पूल बने हैं और हमें जाना है और ऊपर। अरे बहुत सुंदर सा ब्रिज है। ये नेचर पूल है, वो आर्टिफिशियल पूल है। अभी उसमें दे आर फिलिंग वाटर। मतलब दिल्ली और हरियाणा की गाड़ी देखने के दो रीजन हो सकते हैं, इधर दे लव टू स्पोर्ट, लव टू ट्रैवल, या फिर उनके जगह कुछ है ही नहीं। अच्छा अब दिखाते हैं आपको छोटा सा झरना। ऑफ बीट प्लेस दिखाते हैं जो किसी ने देखी हो। पीछे तक तो भीड़ थी, आगे कौन नहीं है। आगे भालू घाटी भी है जहाँ भालू आते हैं। मतलब दिस इज टोटली फॉरेस्ट एरिया दोनों तरफ। यहाँ सी रोड बन रही है। दम निकल गया हमारी बाइक का। लोग वैसे फोर व्हीलर से भी आए हैं।
रास्ते का एंजॉय तो फोर व्हीलर से ही है। हाँ, मतलब फोर व्हीलर से आते हैं ना, आते टाइम तो हम ये परेशान रहते हैं कि कहाँ लगाएं कहाँ बचाएं, ट्रैफिक कितना था आज। हाँ, ट्रैफिक तो था। अपने आज मम्मी बूढ़ी बाइक को लेके आए हैं, वो ये रोड बन गई है, पहले कच्ची थी ये रोड। अच्छा, ये रोड अभी बना दिए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और मैंने क्या नहीं देखा हुआ है, घर चल रहा। अच्छा, वी हैव टू पार्क हियर। डर सांप नहीं है इसमें? कहाँ है सांप? कोई सांप नहीं है भाई, सब देख लिया आपने कैमरा में, ऐसी बोल रही है ये। अच्छा, और नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है। हमारे ऑफ बीट प्लेसेस में से एक और है ये, देख के चलना का ही है। तो अब इस वाले पूल का वीडियो बना के, ऊपर रास्ता गांव को जाता है तो गांव की वीडियो भी आपको दिखाते हैं। ऊपर एक ब्रिज है छोटा सा और वहां से गांव का रास्ता आता है, और भालू घाटी जो मैंने कहा था जहाँ भालू आते हैं, एक भालू तो ये पीछे खड़ा, और भी भालू आते हैं, तो वो भालू भी आपको दिखाते हैं अगर मिल गए तो। यार ऊपर बाइक जाने का प्लान कैंसिल, क्योंकि रास्ता है बहुत ज़्यादा ख़राब, अब जा रहे हैं पैदल ही। मुझे भी अगर कपल ट्रैवल गोल का मतलब क्या हुआ फिर? What is the meaning देख लो of couple travel goal? बड़ी बड़ी ट्रैक करने के लिए ना पहले आपको छोटी छोटी ट्रैक करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक ऋषिकेश वैली का रास्ता है, ऊपर हट से कुछ खाने पीने की व्यवस्था होगी। ऊपर देखो ऋषिकेश वैली, यह है रास्ता जाने का, और यहाँ बड़ी अच्छी सी प्लांटेशन भी है। यह है वो फॉल, ऊपर से दिखाता हूँ। यहाँ यार पाम ट्रीज की प्लांटेशन है भाई, कौन से ट्रीज है ये? हाँ वही है। जाते हैं। रास्ते में पड़ता है सुंदर सा पुल, और मिनी तो सुंदर है ही भाई, अपनी बीवी की तारीफ करनी पड़ती है ना, सुंदर ना भी हो। नहीं है, सुंदर है, सुंदर है। वो नीचे जा रहा है, वो वहां हमने बाइक खड़ी करी थी ना वहां पे,
वहाँ से क्यों बनते थे, तो तुम्हें सब पता है। वहाँ से जो बाइक है वो इस रोड से भी आ सकती है और ये यहाँ से भी आ सकती है। वहाँ से क्या होगा, जो वहाँ एक पानी का वो नहीं तो छोटा सा फॉल जहाँ फर्स्ट हम खड़े हुए थे, वहाँ से आप बाइक ऐसे क्रॉस करके यहाँ ले आओ। तुम किसके साथ आगे कपल ट्रैवल गोल्स बना रहे हैं भाई? ये तो सब घूमा हुआ है हमारा, आज से छोड़े है ना यहाँ पे। ये देख रहे हो झरना, और ये बगल में हमारे सुंदर से झरना है, जहाँ से ये आ रहा है ना वहीं घेर दूंगा है। अगर अभी शेर आ जाए यार, शेर तो नहीं है यहाँ पे, कैसे पता, शेर से पूछ के बाउंड्री बनाएगा। तेंदुआ होगा वो, लेपर्ड शेर नहीं होगा, बट यहाँ पे, यहाँ कहाँ शेर है उत्तराखंड में, यहाँ चीते हैं। शेर मिलेगा गुजरात में, गिर फॉरेस्ट। ये छोटे छोटे ट्रैक भी बड़े भारी लगते हैं जब चढ़ना पड़ता है। अब समझ आया मुझे बाइक का दुख, क्यों मोटरसाइकिल का दम निकला था चढ़ने में। तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है। वर्कआउट ही है ये? ये है ना, बट रेगुलर वाला। हमारे लिए तो वर्कआउट ही है, यहाँ के लोगों के लिए नॉर्मल है। क्या खड़पड़ वॉकिंग का है नहीं अलग है, अगेन विद द सेम मिस्टेक। अरे मैंने सोचा था ना बाइक से चलेंगे, बट मेरी बाइक की हालत देख के मुझे लगा कि रास्ते में टायर ना फट जाए। यार बाइक है नहीं हमारे पे तमीज की, ले लेके एक नई बाइक बताओ। नहीं नहीं, गरीब लोग। I think worth climbing these few steps, अगर कुछ अच्छा डिस्कवर कर ले तो। हाँ सामने आ गए बढ़िया सा रुद्रा हट्स। कुछ है खाने पीने का कि कुल्हड़ लस्सी लिख रखी है। ये रास्ता ऊपर गांव को जाता है, बट अभी हम यहीं तक आएंगे ये फॉल पे। और ये सामने सुंदर सा मंदिर है, देखें किसका मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। भोलेनाथ का और हनुमान जी का भी ध्वज लहरा रहा है, और शिव जी का मंदिर है, त्रिशूल लगाए ना क्योंकि पूजा है यहाँ पे हो रखी है। मिन्नी को ऑफ रोड करना है थोड़ा सा, ऑफ रोड ट्रैक्स। देखो वो रास्ता है वहाँ से गाड़ी जाती है, मिन्नी यहाँ से जाएगी पैदल। I'll do a ramp walk. ओके प्रधान ग्राम पंचायत बढ़ेड़ा। हाँ बढ़ेड़ा गांव, रास्ता देख ले। मिस्टर वैली रिसॉर्ट। हाय पबी। और इसका फ्रेंड भी है, इसका फ्रेंड ओए होए ब्लैक और व्हाइट की जोड़ी। हाय हाय पापी, लड़ाई चल रही क्या दोनों आपस में, लड़ाई चल रही क्या तुम दोनों? बातचीत नहीं कर रही थी, पिटाई हुई है। तू तू तूने इन्हें इन्हें काले वाले इसे मारा होगा। सैड है वो, सैड लग रहा है। ज़्यादा मम्मी आ गई इसकी तो। ये गांव बढ़ेड़ा में पड़ता है, ये तो यहाँ रुकने की व्यवस्था है, ऊपर दो तीन रूम है, लोग बाग रुके हुए हैं। और आज भी हम आए तो यहाँ 20-25 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, नीचे जो है वीकेंड गेटअवे तक तो थे, बट यहाँ पे नहीं है ज़्यादा लोग। तो यहाँ आओ, यहाँ रुक सकते हो, और ठंडा है यहाँ पे, ऑफ बीट प्लेस है, मेन भीड़ भाड़ से दूर है। मेन रोड पे तो आपको बहुत होटल मिल जाएंगे, बट ऐसा अगर आपको नेचर में और जंगल में रुकने का मन है तो यहाँ आके रुको आप। यार यहाँ पे जो है ना रूम्स जो है वो एक्चुअली डॉर्मेटरी है, जो हॉस्टल टाइप होते हैं एक के ऊपर एक बेड वाले वो है, और पर बेड का चार्ज जो है वो 400 रुपये है। पीछे एक रूम है जहाँ फैमिली के साथ रुक सकते हैं, और डॉर्मेटरी अगर आप सिंगल हैं, बॉयज़ हैं साथ में, बॉयज़ ग्रुप है, तो आप 400 रुपये पर बेड के हिसाब से डॉर्मेटरी में रुक सकते हैं, जो हॉस्टल टाइप होता है। यार फैमिली रूम जो है वो 1000 रुपीज़ का है पर रूम, 1000 रुपीज़ है, और यहाँ पर बढ़िया है,
चिलिंग विद द वाइब्स एंड चिलिंग विद द नेचर, और ये दोनों साथी हमारे फिर आ गए। अरे आगे तुम मार खा के है भाई, आगे तुम मार खा के। और यहाँ पे बॉनफायर भी होता है देखो, मतलब गेस्ट की डिमांड पे है, बॉनफायर भी अरेंज करते हैं लोग। अभी जैसे हल्का हटका ठंडा हो जाता है रात को तो बॉनफायर भी करते हैं, और सिटिंग चेयर्स भी है देखो। अगर ये बॉनफायर की आग बढ़ गई तो लकड़ी भी नहीं लगेगी। हाँ तापो तापो, बहुत ठंड है, तापो। ये तो है ही भाई, नदी है इधर, झरना है, और यहाँ बॉनफायर, और क्या चाहिए। हेलो, आ गया फिर, आ गया फिर, आ गया भाई फिर, आ गया। ये कालू है, ये भूरी, भूरी कहाँ गई, भूरी इधर कहाँ छुप गई। कालू तो वहाँ छुप गया जाके भाई, कालू तो बड़ा वो है, डर गया। भूरी भी पहुँच गई, भूरी पहुँच गई, वो पिंगल गया था खाने पे, ये पूरा स्वैग दिखा रही थी। कालू लेकिन है समझदार भाई, पहली डांट में पहुँच गया। भाई बड़े समझदार है यार ये, है 3-4 महीने के होंगे ये, लेकिन है समझदार। कालू और भूरी, तो कालू और भूरी को बाय बाय करते हैं और चलते हैं घर, और रास्ते में कुछ और आया तो कवर करते हैं। वाटरफॉल नहीं आ रहा, कौन सा वाटरफॉल, वो जो सामने वाला में। हाँ वाटरफॉल तो रह गया यार दिखाने को, तो पहले वाटरफॉल दिखाते हैं आप। मिलनी जाएगी अब ट्रैक करते हुए, और यहाँ से अगर फिसली तो आगे के 2 दांत गायब। भाई यहाँ से जा सकता है तेरे को, चलो वैसे मैंने ना गलत रास्ता बताया, रास्ता तो यहाँ से फेंक दिया इस बार, पिछली बार गोप्रो फेंका, इस बार चश्मा फेंका। भाई तेरे को मैंने गलत रास्ता बताया, रास्ता यहाँ से है। उधर नहीं, इधर से है रास्ता, और वाटरफॉल को बाय बाय कहते हुए। देख के चल फिर, काटा चुपा दो, उसके बीच में पैर, पानी में पैर रखना। शाबाश शाबाश मेरे देश के जवान, और मेरे देश के 2 नौजवान। नहीं नहीं यहीं से रास्ता है भाई, हट जाएगा थोड़ी देर के लिए। बाय बाय वाटरफॉल, इतना भी हिडन नहीं है जितना हमने सोचा था। चलो वापस चलते, ये बढ़ेड़ा गांव का रास्ता ऊपर इधर से, बढ़ेड़ा गांव। ऐसे ही रास्ते ऊपर तक जाते हैं, अगर आप आसपास में रहते हो, मॉर्निंग वॉक करना है तो भी आ सकते हो इधर, थोड़ी हिम्मत लगेगी आने में बट आ सकते हो। वो देखो वो रास्ता ऊपर तक जा रहा है, मिन्नी तो नहीं आने वाली,
उन्हें तो नीचे ही सरेंडर कर दिया। वहाँ पे लोग लड़के मस्त गिटार बजा रहे हैं, लगातार बजा रहे हैं और गिटार बजा रहे हैं। चलो इसके साथ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, है ना, और बोरा छत्ता मतलब आपको एक अच्छा सा रास्ता दिखाते हैं। तब तक के लिए तो मिनी कह रही है कि इस रास्ते पे कार नहीं आ सकती, अब आप लोग मेरे को बताओ कार आ सकती कि नहीं आ सकती। हम तो बाइक नहीं लाए, कार की क्या ही बात है, पर